इब्राहिम है। इब्राहिम भाई आपका कुछ क्वेश्चन है, सवाल है? जी, मैं बहुत देर से आपका स्ट्रीम देख रहा था, तो आप इस्लाम को, मेरा पहला सवाल यह है कि आप इस्लाम को कैसा मानते हैं, मतलब इस्लाम कैसा को हम समझते हैं कैसा इस्लाम मानते को, हैं जी? मतलब कैसा इस्लाम को समझते हम हैं लोग, आप? जी भाई आपका नाम इब्राहिम है भाई, तो आपको भी खुद पता नहीं है कि इस्लाम को हम कैसा समझते हैं? जी, आपका नाम इसलिए मैं इब्राहिम है या ये आपने इब्राहिम डाला है स्ट्रीम में आने के लिए इस नहीं तरीके से नहीं आपने? नहीं नहीं ये आपके अंदर गलतफहमी है। हमारा नाम ही इब्राहिम है। मसला आपका ये नाम है कि इब्राहिम मैं है लेकिन भी आपको नहीं पता कि इस्लाम का मतलब क्या है। असल में, हम पहले इस्लाम को मानते थे, मुसलमान थे, पक्का मुसलमान थे, आपसे बेसी मुसलमान थे, समझे? हमसे भी मतलब मुझसे लेकिन बेसी मुसलमान थे, मतलब मुझसे ज्यादा हाँ, मुसलमान आप आप थे। जी हाँ, आपसे बेसी हम धर्म को फॉलो करते थे। आज के मुसलमान को देखते हैं अधर्मी ज्यादा है। तो तो मेरा अभी प्रश्न आप क्या है, ये अभी आप है, मुसलमान नहीं है? नहीं अभी हम मुसलमान नहीं है, हम कोई धर्म नहीं मानते, ना हिंदू को मानते अच्छा हैं। ठीक। नहीं, पहले आप सुन, नहीं, आप अगर बोल रहे कि अभी आप पहले आप पक्के मुसलमान थे, तो आपको तो ये पता रहना चाहिए इब्राहिम भाई कि हम लोग नमाज पढ़ते, आप नमाज भी पढ़ते होंगे, आप नमाज बिल्कुल पढ़ते थे नमाज जब पढ़ते आप, हैं, नमाज आप पढ़ते हैं कि बिल्कुल पढ़ते थे? बिल्कुल, पांच पढ़ते अभी भी थे, पढ़ते अभी हो नहीं हम लोग? पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते अभी थे, नहीं तो पढ़ते आपको तो ये पता रहना चाहिए कि हम लोग कितना बार नमाज पढ़ते थे, आपको पता अरे रहना चाहिए ना वो कितना, क्योंकि सवाल आपने नहीं बोला है कि... ना। नहीं, मेरे भाई आपने बोला कि आप मुझसे ज्यादा मुसलमान थे या मेरे से ज्यादा मुसलमान थे, तो आपको पता रहना चाहिए ना कि कितना मतलब नमाज था, क्योंकि नमाज तो बेसिक चीज है, ये एक आम मुसलमान को पता रहना चाहिए। आपको पता है कितना नमाज हम लोग पढ़ते थे या आप कितना नमाज पढ़ते थे? नहीं अरे मेरे भाई, हमारा सवाल पहले आप लीजिए ना, नहीं हम क्या कह रहे नहीं हैं, आपका यहाँ सवाल हम नमाज का लेंगे, सवाल लेकिन नहीं पहले आप तो है। थोड़ा सा परख लेते हैं कि आपका सवाल कैसा है अरे और आप आप क्या मतलब ठीक परखिएगा, कैसे हैं। हमको आपको ये हमको नहीं पता कुरान कि भी, पांच हम वक्त की कुरान भी नमाज पढ़ने होती आता है? है, पढ़ के सुना दे कुरान को। नहीं, पढ़ के कुरान से पहले हम और कुछ आपसे पूछना चाहेंगे। आपको पता है कि हम लोग नमाज से पहले क्या करते हैं? वजू बनाते हैं ना, हाँ, आपको पता नहाते है हैं ये बात? पहले। नहाते हैं, वजू बनाते हैं, तो वजू में कितना रिकात होता है आपको पता है? वजू में कितना रिकात होता है, पांच होता पांच है या रकात तीन है, रिकात पांच होता है? वजू में कितना रिकात होता है, पांच होता है या रकात तीन है, रिकात होता है? वजू में कितना रिकात होता है, पांच होता पांच है या रकात तीन है, रिकात होता है? वजू में पांच रिकात है। चलिए इसी से समझ में आ गया आपका कितना आपके पास ये है, वजू में पांच रिकात है ये। तो ये भाई है जो बोल रहे इस्लाम का क्या मतलब है, और वजू में अरे इनको पहले पता हमारा है? सवाल आप लीजिए ना नहीं, जनाब, हमारा सवाल है आपका नहीं ले सवाल हम रहे हैं लेंगे, आप, आपका सवाल हम लेंगे मेरे भाई, हम लेकिन कल से आपको ये बैठे भी नहीं हुए हैं पता आपकी कि स्क्रीन पर। नहीं। अच्छा है आप स्ट्रीम पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि वजू में मतलब के रिकात होता है या नहीं होता। आपने बोला पांच रिकात होता है, आपको पता वजू में कोई रिकात नहीं होता। आप बोल रहे थे कि आप हमसे अच्छे मुसलमान है, ये कैसा अच्छा मुसलमान है जिसको पता ही नहीं कि वजू क्या होता है, नमाज क्या होता है? तो यही तरीका, अगर आप नहीं है एक्स मुस्लिम तो आप बता दीजिए कि नहीं है हम। अरे भाई, हमारा सवाल पहले लीजिए ना, फिर आप नमाज में आपका आइएगा, सवाल रोजा में आइएगा, जकात में आइएगा, हमारा सवाल पहले लीजिए ना। हमारा नहीं, सवाल इस तरीके यह से नहीं, पहले आप बता दीजिए कि आप क्या है, इस तरीके से बहरूपिया से जैसे आप आइएगा उस तरीके से नहीं होगा। बहरुपिया नहीं है हम, हमारा नाम ही इब्राहिम है। अगर आप पूरा आपका सुनना नाम चाहते हैं इब्राहिम तो है और हाँ, आपने बोला कि वजू में पांच रिकात है, आप बताइए कमेंट्स में आप लोग हंस पूरा रहे हैं इस सुनिए, बात पे। अब हमारा बात सुनिएगा। सुन ही रहे, आपके बात ही सुन रहे हम लोग, आपसे बात कर भी रहे, हाँ, आपकी बात सुन भी रहे हैं, लोग इंटरटेन भी हमारा हो रहे हैं। नाम ही है इब्राहिम, पहले बात समझिए, हमारा हाँ नाम आपका नाम इब्राहिम इब्राहिम, है, हम चलिए मान पहले लेते हैं, मुसलमान चलिए थे। मान लेते मानना हैं। जी, है, मानना ही पड़ेगा ना आपको, हमारा नाम हाँ इब्राहिम है, लेकिन अब कुछ मानना ऐसे तो प्रश्न पड़ेगा, वो हैं आपका हमारे वजू में पास, पांच रिकात है तो मानना तो पड़ेगा ही कि वजू में पांच रिकात होता है, हमारे तो चलिए पास हम ऐसा लोग ये कुछ मान लेते सवाल हैं। है जो आप जवाब दीजिए ना, हमारे पास कुछ सवाल है, आप जवाब दीजिए, उस सवाल का जवाब आपका दीजिए, सवाल हम क्या कुरान को सवाल भी है, पढ़ा चलिए है। क्या सवाल जी, क्या सवाल है आपको बताइए आप। हमारा सवाल यह है कि मुसलमान के पास जवाब देने का कोई ताकत नहीं है, ठीक है? जवाब देने कोई ताकत पड़िएगा। नहीं और वजू में पांच रिकात है, यही ताकत है, क्या आप अरे बोलना आप चाह रहे सवाल हैं? पे आइए ना जनाब, अब सवाल ही नहीं सुनते हैं अच्छा तो और कुछ आगे सवाल ही है बढ़ मेरे पास, जाते। एक दो सवाल? नहीं, आपका सवाल लेंगे हम, एक और सवाल है आपसे पहले पूछ लेते, क्योंकि आप हमसे अच्छे मुसलमान थे, हो सकता कि आपसे हमको सीखने को मिले, है ना?
अरे सवाल हम आपसे पूछने आए हैं ना, आप हम ही से पूछ रहे नहीं, हैं नहीं तो सुनिए सुनिए अच्छा समझ में आता है। जी कहिए 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 आपका भी सवाल सुनिए लेते हैं। पांच रिकात है ठीक है ना, फजीर में हम लोग वजू बनाए उसमें हम लोगों ने पांच रिकात ले लिया ठीक है, उसके बाद हम लोग जोहर की नमाज पढ़ते हैं उसमें वजू में कितने रिकात होते हैं? अरे भाई वो सब बात छोड़िए ना, आप पहले सवाल लीजिए ना हमरा, ओकर बाद लास्ट में आखिर में वो सब बात करेंगे हम। अच्छा ठीक है आप बताइए सवाल क्या है, क्या आपका सवाल है आप पूछ ले, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं कि हम एक्स मुस्लिम थे या हम इससे, ये सारा सर बेबुनियाद है, ये अभी सबके सामने आ गया कि आप ये जो बात बोल रहे थे कि आपसे भी आप अच्छे मुसलमान थे, ये बात सरासर झूठ है। आप भी पढ़े होंगे, आप तो बोल रहे कि आप अच्छे मुसलमान थे हमसे, अगर मैंने एक बार हाँ तो सुनिए तो सुनिए आप कुरान को पढ़े हैं तो आप कुरान का जवाब दीजिए, कुरान में सेक्स स्लेवरी के बारे में कहा गया है, आप इस पर क्या क्या जवाब देंगे बताइए, अरे पूरा इस्लाम में है। जी 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 कुरान में लिखा हुआ हाँ, सुनिए सुनिए पूरा पूरा सुनिए अभी रुक रहिए आप एक लाइन पूरा सुनिए, स्लेवरी लिखा हुआ कुरान में, सेक्स स्लेवरी लिखा हुआ कुरान में, कोई सा भी लाइन बोलिए मैं अभी स्क्रीन पे चलाऊंगा, सेक्स स्लेवरी लिखा हुआ मिल जाएगा तो मैं मान लूंगा कि आप एक्स मुस्लिम थे, ऐसे आप है नहीं लेकिन मैं मान जाऊंगा ठीक है। हाँ आप सुनिए सुनिए सेक्स स्लेवरी के बारे में क्या लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है पूरे कुरान में, सूरा मोमिन में देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सूरा मोमिन में पढ़िए ना जी, क्या नाम है, अरे क्या आपका नाम है सदाब जी, आप आयत नंबर 5 और 6 पढ़िए, 5 और 6 में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ सेक्स स्लेवरी, आप पढ़िए तो पहले, मैं उसको स्क्रीन पे चला दूंगा, सेक्स स्लेवरी उसमें नहीं लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है मान के चलिए नहीं लिखा हुआ है, उसको डिफाइन कीजिए हमको, डिफाइन कीजिए, आप बोल रहे सेक्स स्लेवरी डिफाइन हम करें सेक्स स्लेवरी को, आप बोल रहे वजू में पांच रकात तो पांच रकात डिफाइन आप ना कीजिएगा, कुरान में लौंडीबाजी है ना जी, कुरान में लौंडीबाजी लिखा हुआ है ना, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ, बीवियों से अपना जर खरीद और लौंडियों से की, हाँ ठीक है उसको आप दिखाइए कहीं भी ट्रांसलेशन में, वो कुरान में लिखा हुआ वमा मलक अयमानुकुम ठीक है, सेक्स स्लेव्स नहीं लिखा हुआ कुरान में ठीक है मेरे भाई। और रहा बात आपका इसके ऊपर, तो सेक्स स्लेवरी के ऊपर जब हम लोग का स्ट्रीम रहेगा आप आइएगा ठीक है, हम लोग उसमें बात करेंगे, और अभी आप 5 रकात का वजू बना के जाइए, बनाइए 5 रकात का जो वजू आप बनाते थे, और ठंडे दिमाग से आप बात कीजिएगा ठीक है मेरे इब्राहिम भाई। जीजिया के ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ, आप जीजिया वाला वीडियो देख ले, सेक्स लेवरी यहाँ बोलिए ना, स्ट्रीम पर बोलिए ना, कई लोग हजारों लोग सुन रहे हैं, आप स्ट्रीम पर बोलिए ना, हाँ स्ट्रीम पे क्या बोले, जीजिया क्या है, क्या आप जीजिया सही है या गलत है इस्लाम की नजर में, चूंकि यही सब तो मामला से हम इस्लाम को छोड़े हैं। आप ठीक है आप छोड़े या नहीं छोड़े वो तो सबको पता है कि आपने क्या छोड़ा और क्या नहीं छोड़ा, अभी तो बहुत लंबा बात आपने छोड़ दिया वजू में 5 रकात बोल के। तो रहा बात की जीजिया के ऊपर में, तो जीजिया कोई ऐसा चीज नहीं है, एक सेक्युलर कंट्री में जिस तरीके से सबसे टैक्स लिया जाता है, इस्लामिक कंट्री में मुस्लिम से भी टैक्स लिया जाता है और उसी तरीके से नॉन मुस्लिम से भी टैक्स लिया जाता है ठीक है ना, जिस तरीके से मुसलमानों से टैक्स लिया जाता है मतलब कि ज़कात लिया जाता है, नॉन मुस्लिम से जीजिया लिया जाता है ठीक है ना, और जीजिया एक प्रोटेक्शन टैक्स है, अगर आप नॉन मुस्लिम है और इस्लामिक स्टेट में है तो आप अगर लड़ते इस्लामिक स्टेट की तरफ से तो आपको जीजिया माफ हो जाता है, अगर आप औरत है जीजिया माफ है, बच्चे औरत जीजिया माफ है, तो बहुत सारे रूल्स है आप, इसीलिए मैंने बोला मौलवी ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है, मौलवी कह रहा है कि आप मौलवी के बोलने से नहीं होता ना, जो मैं बता रहा हूँ उसके पीछे रेफरेंसेस है, मैंने जीजिया के ऊपर जो वीडियो बनाया उसमें आप भी तो मौलवी हैं, आपकी बात मानेंगे कि ना, नहीं मैंने रेफरेंस दिया मैंने कुरान का, और मतलब उमर रजी अल्लाह तआला का रेफरेंस दिया है, और उसी तरीके से और भी स्कॉलर्स के रेफरेंस दिए हैं, उसको आप पढ़िए जाके, इब्ने कसीर का, इब्ने खुजामा और भी स्कॉलर्स के, जिजिया के ऊपर में वीडियो देखिए ठीक है मेरे भाई। और आप साहिल से डिबेट कीजिएगा, हाँ सबसे डिबेट करेंगे, आप साहिल को लेके आइए, एडम जोकर को लेके आइए, जिसको लेके आना लेके आइए, इंशाल्लाह हम लोग डिबेट करेंगे, हम तो वेट कर रहे हैं, मैंने साहिल को चैलेंज किया है, एडम आपके भाई हो बहन हो जो हो मुझसे उसको मेरे से कोई मतलब नहीं, आपको अगर उनको आना है एडम जोकर को तो आ सकते हैं ठीक है, कोई वेलकम है कोई ठीक है ना, अहलन वसहलन, मुसलमान एडम एडम से बात नहीं कर सकता है, कोई भी मुसलमान, हाँ ठीक है मैं बात हम लेके आएंगे, हम आपके लाइव में लेके आइएगा, हाँ जिस तरह जी ठीक है आप लेके आइएगा, इंशाल्लाह हम लोग को वेट रहेगा ठीक है इब्राहिम भाई। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक
जरूर पहुंचे।